जगतार जी जी डेड बॉडी पई है किस तरह तुहानू पता लग्या शालाबाद दे विच जिहड़ी समाधा जिथे बनिया पई है जी उहदे अंदर पई है डेड बॉडी की जाणना चाहुंदे हो कहना कि अं धुप सेक रहे थे उत्थे साडे कोल लड़का आया कहिंदा अंदर डेड बॉडी पई है जी कोई उधरों आ नहीं रहा से अं आ के फिर नाल आए हैं चार जने देखा आ के कोई नल चैक की वाकई वह आकड़िया पै सगा तो फिर तो बाद तुहानू इनफॉर्म किया फिर तो बाद एस एच ओ साहब ने इनफॉर्म किया डेड बॉडी देखी किस तरह पता लगे किस तरह फोटो खिंचन आए थी टिकटॉक बना आए थी इतने डेड बॉडी पई ते मैं उत्थे जाके बाहर जाके फोन मैं कहा कर दियो किसी नूं तो कोई फोन नहीं करता पिया सी फिर 100 नंबर ते एक भाई आ जिहड़े भाई ने किया फोन 100 नंबर ते उन्होंने पुलिस बुला के दस्या कि डेड बॉडी है ये कि किस तरह तुसीं कहड़े हालातां च इहनूं वेख्या ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਯੂ ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੇ ਜੋ ਲੜਕਾ ਜਿਸਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ प्रीतम कहाँ से रहने वाला है ये थाना नूरपुर दरियापुर ग्राम यूपी यूपी से रहने वाला क्या हुआ था जिस लड़के के हाथ में मेहंदी भी लगी हुई कैसे दो तीन महीने पहले शादी हुई अच्छा ये लड़का जे खुद खुशी थी या किसी ने मारा है क्या पता साहब यहाँ तो मेरे भाई के घर आया था काम पे परसों यहाँ सही आ गया आंटी के घर चाय पी घर को फोन करा मैं सही पहुँच गया अच्छा फिर साहब ये हूँ लिखाया भी रोड बाईपास लो वो अपने काम पे चला गया जो इसका मिलने वाला थे मरा सा आदमी को तो जहाँ रहने थे अच्छा और ये अपना वो आ गया मैं लेकर भी अगला कुछ पता नहीं साहब क्या इसका दो बजे तक चला है दो बजे तक घंटी आई फोन नहीं उठाया किस दिन परसों सोमवार में दो बजे तक चला अच्छा उठाया नहीं दो बजे से बाद में सी चौक हो गया अच्छा क्या आप मान रहे पुलिस से क्या मान रहे इस जांच के बारे में जहाँ तो साहब हम तो पूरी जांच चाहेंगे जहाँ हम आपका भतीजा वाला क्या साहब भतीजा लगता था जी बाप भी आ रहे हैं सुसर साहब भी आ रहे हम तो कल से परेशान हैं ये लड़का जो डेड बॉडी मिली है क्या है तब इनकी शादी हुई थी कैसे ये जहाँ पर शादी दे दो ढाई महीने पहले ब्याह होया भाजी ये मुझे पेंडी से अपने 15 तरीक नूं फोन करके बुलाया गया काम वास्ते क्योंकि कामदार राशि ज़्यादा वा तो तू आ जा अच्छा। 15 तरीक नूं 6:30 बजे इतने पहुंचा वा पहुंचने तो बाद जिथे पहला किराए से रेंदे सीगे उस कमरे च गया वा उत्थे गया वा उस तो बाद उन्हें चाह पानी पीती गल हुई फोन से कि भी कहिंदा मैं आ गया वा तो मैं इतने पहुँच गया मैं आंटी के घर आ गया वा तो मैं चाह पानी पी के तैयार होकर फिर आना वा उस तो बाद इनू फोन लगाया गया ये रिंग वजती ही फोन नहीं चक्या सारी करते रहे रात 2:30 बजे तक उस तो बाद इहदा फोन बंद हो गया असी दो दिन लभदे रहे नहीं लभा असी रिपोर्ट कराई उस तो बाद सानू इहदी अज इत्थे डेड बॉडी मिली है ये मंसूरवाल तो गैप होया बंदा गैप किन्ने दिन हो गए गैप 15 तरीक दा गैप होया जी ते इहदी अज डेड बॉडी मिली है ये की जंदे ते ब्याह भी होया चन्ना चिर वेला ब्याह होया की सी सारा इहदा ब्याह होया 2-2.5 महीने जी पेंडी इहदा अच्छा फिर पेंडी सीगा जी अच्छा क्योंकि उस तो बाद काम कुम नहीं इसलिए इतने आया नहीं हूँ कामदार सीजन पे इसलिए किस चीज़ का काम करता सी फ्लावर डेकोरेशन का काम करते जी ब्याह शादियां पैलसा पुलसा में की जंदे ढार दे रहे मां प्यो जंदे जी हाथ च सोने की मुंदी सी चैन सी पर्स भी इहदा है नहीं जेब च की लगदा तुहानू इहनू मारिया गया वा की तुसी देखो जी जिस हिसाब नाल इहदा कोई समान कोई भी है नहीं जी उत्थों गैप होया उस तो बाद मिलिया ही नहीं हैगा तो शक तो यही है कि जिहड़ा ये बंदा उत्थों मंसूरवाल तों उत्थों किद्दां आ गया जे इहने आना सीगा तो आपे अपने कमरे च आता अपने कमरे तक पहुँचे नहीं अच्छा ये रस्ते ची किसी ना कोई काम हो जाए नहीं सोना की पाया कहते चैनी पाई सी सोने की एक कहते मुंडी की पाई हुई सी अच्छा तो एक कहते चांदी की पाई हुई सी अच्छा तो बाकी मोबाइल वगैरह से एंड्रॉयड मोबाइल सेगा अच्छा तो पर्स वगैरह से पैसे पुसे की शक की लगता तू शक तो यही है जी जो किसी के नशेड़ी छुने काम आ जाए किसी ने सट सुन मार के मारी है जिस हिसाब का लगता पाया वा अच्छा क्योंकि अगर वो आता भी इतने भी आता
ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦਾਰੂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਥਾਲੀ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਲੱਜੇ ਪਿਆ ਇਹ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਇਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਚੈਨੀ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਭਾਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸ਼ਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.